पंजाब कुदरत की फियाजियों और नेमतों से माला माल, पाकिस्तान का एक ज़रख़ेज़ सूबा है। पंजाब को कुदरत ने जुग्राफियाई इतबार से हर तरह के मनाजर से नवाजा है। यहाँ दरिया भी हैं, जंगल, पहाड़, सहरा और लहलियाते खेत भी मौजूद हैं, जो सब्ज़े की चादर फैलाएं इसके हुसन को लासवाल करते हैं। इसी जुग्राफियाई हैत में सतह मुर्तफा पठवार भी हैं, जो बेतरतीब ज़मीन और हरे भरे पहाड़ों से देखने वालों को दावत नज़ारा देते हैं। कलर कहार में वाकिया कुदरती पानी की झील कोहिस्तान नमक की आगोश में अपनी खूबसूरती और रनाई का परचम बुलंद करती है। यहाँ तफरी पार्क, कश्ती रानी और क़याम व तआम की सहूलियात मयसर हैं, जो सियाहों की दिलचस्पी को चार चांद लगा देती हैं। इस इलाके की कशिश ने मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर को भी अपना असीर बना लिया। बाबर की फ़ौज ने एक चट्टान तराश कर ये तख्त बनाया और बाबर ने यही अपनी फ़ौज से ख़ताब भी किया। इसी मुनासबत से इसको तख्त बाबरी भी कहा जाता है। ज़हीरुद्दीन बाबर ने यहाँ बागात लगाने का हुक्म जारी किया। इस बादशाह की चंद निशानियाँ आज भी तख्त बाबरी और बागी सफ़ा की सूरत यहाँ मौजूद हैं। आहो बहू का मज़ार भी सियाहों के लिए रूहानी इत्मीनान का बैस है। मज़ार से दूर एक दूसरी पहाड़ी पर चिला गाह भी मौजूद है, जिससे ज़ायरीन की सहूलियात के लिए एक लिफ्ट के ज़रिए मज़ार से जोड़ा गया है। पोठार और कोहिस्तान नमक से मलहक वादी जून भी सियाहों को सदियों से अपना असीर बनाए हुए है। वादी में पहाड़ों से बहते नालों का शोर सुनने वालों पर सहरे तारी कर देता है। अपनी दिलकश नज़ारों, खूबसूरत झीलों, सोन वादी, चश्मों और बागात की वजह से सियाहों को अपनी तरफ खींचती है। जब हम वादी जून में दाखिल होते हैं तो गार्डन बाग पहला सियाही मकाम और कैनिटी शदाही और दिलफरेबी देखने से ताल्लुक रखते हैं। कैंटी गार्डन से चंद किलोमीटर के फासले पर वाकिया ये खूबसूरत आबशार अगरचे अभी सियाहों की नज़र से पोशीदा है, मगर इसकी दिलकशी आने वाले वक्तों में इससे भी ज़्यादा हो जाएगी। जहां सियाहों के साथ साथ चीनी का तवाफ करते सियाह परिंदे, जो साइबेरिया और इसी तरह की दीगर ठंडे इलाकों से यहां का रुख करते हैं। शरीफ के मकाम पर शिफाफ और सब्ज़ी मैली चश्मा यहाँ आने वालों को एक नई तमानियत और सरशारी से हमकनार करता है।